Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are doing perfect. So, students, we were doing uh, the exercise of the chapter Helping Hands, and we have already done the exercise of uh, ex uh, like uh, Part A, Part B, Part C, Part D, and uh, we were discussing about this good, good word, and I have already told you how to do uh, these measure word uh, and all as i said that you have to write the number in front of it write the number in front of it okay so i got the homework of few of the students and these students have done it very good but right now we are moving forward so here moving forward the next is part g so in part number g the word improvement let's just read it with me द वर्ड इम्प्रूवमेंट इज़ मेड बाई एडिंग द सफिक्स सफिक्स मैंट देखो बच्चों होता क्या है कि जब किसी वर्ड के आगे कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा जाता है वी कॉल इट सफिक्स क्या कहते हैं उसको सफिक्स कहते हैं ठीक है और अगर किसी वर्ड के पहले जैसे मान लो अगर कोई वर्ड है इस वर्ड के पहले अगर हमने कोई वर्ड जोड़ दिया तो क्या कहलाता है प्रीफिक्स कहलाता है ठीक है इसको ऐसे समझो कि जैसे आ, आपका एग्ज़ाम होता है जैसे सीनियर क्लासेस में एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम ठीक है क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का होता है बोर्ड एग्ज़ाम सो बच्चों इस बोर्ड के पहले इस बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जो है वो होगा प्री लगा दिया जाए तो क्या कहलाया जाएगा इसको प्री बोर्ड कहा जाएगा क्या कहा जाएगा प्री बोर्ड कहा जाएगा ठीक है सो प्री बोर्ड का मतलब होगा एग्ज़ाम के पहले बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जो होने वाला पेपर है वो प्री बोर्ड है क्लियर जैसे एक वर्ड होता है एडिकेट एडिकेट का मतलब होता है सफिशियंट ठीक है यानी अगर कोई चीज़ आपके पास सफिशियंट क्वान्टिटी में है सो हम लोग कहेंगे कि वो हमारे पास एडिकेट क्वान्टिटी में है ठीक है सो अगर हमने एडिकेट के पहले इन लगा दिया अगर हमने एडिकेट के पहले इन लगा दिया तो क्या बन जाएगा ये ये बन जाएगा इनएडिकेट एडिकेट के पहले अगर हमने इन लगा दिया तो ये बन जाएगा इनएडिकेट सो बच्चों जो इन एडिकेट है वो इन क्या है यहाँ पे इनएडिकेट है प्रीफिक्स इनएडिकेट एक्चुअली में होता है अपोजिट किसका एडिकेट का अपोजिट एडिकेट मतलब सफिशियंट क्वान्टिटी में और इन एडिकेट मतलब नॉट इन सफिशियंट क्वान्टिट्टी ठीक है फॉर एक्जाम्पल इफ़ यू आर प्रिपेरिंग टी टी इन योर होम एंड वहाँ पर शुगर जो है वो क्वान्टिटी में नहीं है सफिशेंट क्वान्टिटी में नहीं है तो अब क्या कहोगे कि यार इनएडिकेट क्वान्टिटी में शुगर पड़ा हुआ है इस टी में ठीक है ना क्लियर हो गया बच्चों सो so, अगर किसी वर्ड के पहले कोई वर्ड लगा दिया जाए तो वो कहलाएगा प्रीफिक्स और अगर बाद में लगा दिया जाए तो क्या कहलाएगा जैसे अगर ये वर्ड उसके बाद में अगर हमने यहाँ कुछ वर्ड लगा दिया तो क्या कहलाएगा सफिक्स कहलाएगा ठीक है सफिक्स कहलाएगा सो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे जो एक वर्ड है आई एम पी आर ओ वी ई -E, इम्प्रूव इम्प्रूव का इम्प्रूव का मीन्स होता है कि चीज़ों को सुधारना ठीक करना ठीक है अपग्रेड करना तो स्टूडेंट्स इम्प्रूव के बाद अगर हमने एम ई एन टी एक सफिक्स लगाया क्योंकि एक वर्ड लगाया एम ई एन टी जो कि इम्प्रूव के बाद आ रहा है सिंस दिस वर्ड एम ई एन टी इज़ कमिंग आफ्टर इम्प्रूव क्योंकि आफ्टर आ रहा है सो हम लोग उसको सफ़िक्स कहेंगे ठीक है और इम्प्रूव improve और इम्प्रूवमेंट में क्या डिफरेंस है देखो डिफरेंस क्या है देखो डिफरेंस क्या है ये इम्प्रूवमेंट ऊपर लिखा हुआ है और नीचे मैंने लिख दिया इम्प्रूव नीचे मैंने लिख दिया इम्प्रूव सो स्टूडेंट्स इम्प्रूव एक वर्ब है और इम्प्रूवमेंट क्या है एक नाउन है ये जब ग्रामर में आपको पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा जैसे मैंने आपको बताया था ना नाउन नाउन में मैंने आपको भी सिखाया था कि प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन है कलेक्टिव नाउन है उसी तरीके से देखो इम्प्रूवमेंट भी एक नाउन है ठीक है और इम्प्रूव क्या है इम्प्रूव हमारा वर्ब है क्लियर तो वही चीज़ है कि ट्रीट एज़ एन वर्ब लेकिन अगर ट्रीट के आगे ऐसा क्या लगा दें जिससे कि ये एक नाउन बन जाए या बेसिकली एक सफ़िक्स की तरह काम करे तो जो सफ़िक्स ऐड करने की हमारे पास परमिशन है वो क्या क्या है हुड नेस और मेंट यानि किसी वर्ड के आगे हम लोग अगर हुड लगा दें या नेस लगा दें या मेंट लगा दें तो वो एज अ सफिक्स काम करेगा और किसके साथ फिट कर सकते हैं जैसे मान लो ट्रीट के साथ अगर हमने ट्रीट हुड लगा दिया तो क्या ट्रीट हुड कोई वर्ड होता है या नहीं होता है पॉइंट ये है ट्रीट हुड कोई वर्ड होता है या नहीं होता है या फिर ट्रीट के आगे हमने अगर नेस लगा दिया तो ट्रीटनेस कोई वर्ड होता है या नहीं होता है ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए ठीक है सो so, आइए देखते हैं तो ट्रीट के साथ जो सफिक्स यूज़ होगा बच्चों वो होगा मेंट ट्रीट के साथ जो सफिक्स यूज होगा वो होगा मेंट और ये बन जाएगा ट्रीटमेंट ठीक है ग्रेट के साथ जो सफिक्स यूज होगा बच्चों वो हो जाएगा ग्रेटनेस नेस यूज़ होगा और ये बन जाएगा ग्रेटनेस अग्री के साथ जो सफिक्स यूज़ होगा स्टूडेंट्स वो होगा मेंट और ये बन जाएगा अग्रीमेंट ठीक है चाइल्ड के साथ जो सफिक्स यूज होगा वो हो जाएगा हुड यानी चाइल्ड हुड ठीक फॉल्स के साथ जो सफिक्स यूज होगा वो हो जाएगा ड ये बन जाएगा फॉल्स हुड यूजफुल के साथ जो सफिक्स यूज होगा ये होगा नेस और ये बन जाएगा यूज़फुलनेस ठीक है अब जरा सा समझना ट्रीटमेंट का मतलब होता है ट्रीट का मतलब होता है किसी का इलाज करना ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज ट्रीट ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना ठीक है और ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज क्लियर हो रहा है ना दोनों में डिफरेंस एक जगह एक्शन है इलाज किया जा रहा है और एक जगह इलाज जस्ट अ वर्ड आ रहा है जस्ट अ नाउन आ रहा है ग्रेट मतलब महान ग्रेटनेस मतलब महानता ट्रीटमेंट हो गया ग्रेटनेस हो गया सिमिलरली अग्री मतलब किसी चीज़ से सहमत होना ठीक है सहमत होना और अग्रीमेंट मतलब कोई सहमति है मतलब कि कोई ऐसा कोई डील पास हुआ है उस डील में एक अग्रीमेंट हुई है कि हम दोनों फिफ्टी फिफ्टी पार्टनरशिप पे हैं या सेवेंटी थर्टी के पार्टनरशिप पे तो वो कहलाएगा अग्रीमेंट चाइल्ड मतलब बच्चा childhood मतलब बचपना क्लियर हो गया बचपना नहीं बचपन सॉरी चाइल्ड मतलब बच्चा और चाइल्डहुड मतलब बचपन फॉल्स मतलब गलत और फॉल्सहुड मतलब फॉल्सहुड मतलब फॉल्स मतलब गलत और फॉल्सहुड मतलब गलत करने वाला काम ठीक है ना ये गलत एक्टिविटी ये गलत आदत ठीक है ना गलत आदत उसको जरा फॉल्सुड को आप जरा कायदे से समझो ठीक है फॉर एग्जाम्पल चीटिंग इन द एग्जाम इज अ फॉल्स एक्टिविटी चीटिंग इन द एग्जाम इज अ फॉल्स एक्टिविटी ठीक पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल क्या है फॉल्स का सुन लो कि देंसर इन द आंसर शीट दैट दिस बॉय has written इज फॉल्स ठीक है ट्रू फॉल्स वाला फॉल्स सही है और कुछ नहीं है ठीक है ना फॉल्स मतलब गलत एज सिंपल एज दिस यूजफुल मतलब यूजफुल का मतलब हो गया उपयोगी ठीक है और यूजफुलनेस का मतलब क्या हो गया उपयोग में आने वाली चीजें बार बार ठीक है ना चलो आगे देखते हैं अब देखो गुड ग्रामर की बात करते हैं गुड ग्रामर बेसिकली क्या grammar है ना ग्रामर है सो दो चीज होती है इसमें पहला होता है डायरेक्ट स्पीच दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही नाम कहा जाता है ठीक है ना? ध्यान देना पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच अब देखो इन दोनों में क्या होता है व्हेन वी रिपीट द एक्चुअल वर्ड ऑफ ए स्पीकर वी कॉल इट डायरेक्ट स्पीच यानी जब हमने स्पीकर के एक्चुअल वर्ड को एक्चुअल वर्ड को बोल दिया एज इट इज तो डायरेक्ट स्पीच कह देंगे मतलब कि जो उसके वर्ड थे हमने डायरेक्टली उसके वर्ड्स को एज इट इज़ कॉपी कर दिया तो क्या कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच सिमिलरली अगर हमने वर्ड को चेंज किया व्हेन वी रिपोर्ट दैट व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट अ स्पीकर सेड कि स्पीकर ने क्या बोला हमने उसकी बात बताया हमने उसके वर्ड को एग्जैक्टली exactly नहीं बोला बस उसकी बात को कहा कि स्पीकर ने क्या बोला स्पीकर मतलब जो बोलता है ठीक है ना तो वी कॉल इट इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे या रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे तो इनडायरेक्टली उस बात को हमने बोला डायरेक्टली उसके वर्ड्स को कॉपी नहीं किया बट कि उसके उसके वर्ड्स को कॉपी नहीं किया बट उसकी बात को कॉपी किया दो चीज़ होती है वर्ड कॉपी करना मतलब उसकी स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को सेम चीज़ कह देना या फिर उसकी बात को कॉपी करना यानी कि उसके कंटेंट को कॉपी करना कि वो क्या कहना चाह रहा था उसकी बात को मैं उस उस मैसेज को कन्वे करना उस मैसेज को कन्वे करना ठीक है ना अंतर है देखो दोनों में दोनों में अंतर क्या है कि पहले में वर्ड बाय वर्ड कॉपी हो रहा है दूसरे में वो मैसेज कॉपी हो रहा है जो कि कही गई है तो देखो जैसे क्या है डोंट थिंक स्क्वायरल्स विल रिप्लेस पुलिस डॉक्स दो जोक्स वन ऑफिसर यानी कि एक कोई ऑफिसर है वो कहता है कि ऐसा मत सोचो कि स्क्वायरल्स जो हैं पुलिस डॉक्स को कभी रिप्लेस कर सकते हैं या करेंगे ठीक है ये जोक करते हुए जोकिंग जोक्स सुनाते हुए इसने बोला कि भाई ऐसा नहीं ऐसा मत सोचो कि ऐसा कभी होगा कि स्क्वायरल्स जो हैं पुलिस डॉग्स को रिप्लेस कर करती पुलिस डॉग्स आर डिटेक्टिव्स ना पुलिस डॉग्स क्या होते हैं देखो आप कई सारे केसेस में देखे होंगे गए सी आई डी वगैरह टी वी वगैरह पे देता तो देखोगे कि उसके साथ एक डॉग चलता है हमेशा क्यों डॉग चलता है बिकॉज दीज डॉग्स हैव द स्पेशल एबिलिटीज टू स्मेल एंड हीयर की चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा पहले मतलब बहुत अच्छे से वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और बहुत अच्छा गाइड का काम करते हैं ये डॉग्स पुलिस के लिए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्क्वारल्स को जो है डॉग रिप्लेस करेगा तो देखो इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो वो ऑफिसर बोला उसके लाइन को एज इट इज़ कॉपी कर दिया गया ठीक डोंट थिंक स्क्वारल्स विल रिप्लेस पुलिस डॉग्स दो अच्छा जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना स्टूडेंट्स देखो वो हमेशा इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहेगा ये इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहेगा ठीक है ना और जब ये डायरेक्ट जब ये पार्ट फिनिश होता है इनका स्पीच तो एक छोटा सा कॉमा आता है देखो यहाँ छोटा सा कॉमा लगा होगा जोक्स ऑन ऑफिसर क्लियर हो गया अच्छा जब हमने इसको इनडायरेक्ट में बताना तो कैसे कहेंगे वन ऑफिसर जोक्ड दैट ही डिड नॉट थिंक स्क्ारल्स वुड रिप्लेस पुलिस डॉग्स स्क्वाल्स वुड रिप्लेस पुलिस डॉग्स तो देखो स्टूडेंट्स हुआ क्या यहाँ पे कि कंटेंट तो वही है मैटर तो वही है कि स्क्वायरल जो है कभी भी पुलिस डॉग को रिप्लेस नहीं कर सकेंगे लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो गए कैसे चेंज हो गए देखो यहाँ पे आ, आपका विल आ रहा था यहाँ पे देखो है विल है ना विल की जगह यहाँ पे क्या यूज़ हो गया उड यूज़ हो गया ठीक है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चला गया क्लियर यहाँ पे ही डिड नॉट थिंक आ गया तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी सीखनी पड़ेगी तो पहले तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है या रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है अब पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहचानना आना चाहिए कि कब कोई चीज डायरेक्ट स्पीच होगी कब कोई चीज़ इनडायरेक्ट स्पीच होगी ठीक है आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं जैसे टेक द करेक्ट रिपोर्टेड स्टेटमेंट अभी हमें क्या बताना है रिपोर्टेड स्टेटमेंट यानी रिपोर्टेड स्पीच बताना है यानी इनडायरेक्ट स्पीच बताना है सो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है जो स्टेटमेंट मतलब आई एम वेरी बोर्ड एंड हैव नथिंग टू डू आई एम वेरी बोर्ड एंड हैव नथिंग टू डू अब अगर इसके वर्ड को एज इट इज कॉपी कर दिया जाए तब तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा लेकिन हमें क्या बताना है रिपोर्टेड बताना है तो अब देखोगे रिपोर्टेड में शी सेड शी वॉज वेरी बोर्ड एंड हैज नथिंग टू डू और सेकेंड स्टेटमेंट है शी सेड शी वॉज वेरी बोर्ड एंड शी हैड नथिंग एंड हैड नथिंग टू डू So, दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस देखो बच्चों ये है कि ध्यान देना ये जो पार्ट है ये दोनों में सेम है है ना डिफरेंस कहां पे? हैज हाँ नथिंग और हैड हाँ नथिंग में हैज हाँ नथिंग और हैड हाँ नथिंग में तो ध्यान देना जब भी हैव या हैज अगर हमारा क्वेश्चन में दिया है तो ये हैव और हैज जो है जब रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा तो क्या बन जाएगा हैड बन जाएगा क्या बन जाएगा हैव और हैज जो है जब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा हैड बन जाएगा इसीलिए हैड यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे हैज़ दिख रहा है तो ये हैज़ वाला गलत और ये हैड वाला करेक्ट है समझ में आ गया समझ में आ गया तो कमेंट करके प्लीज़ बताना मेरे को जरूर यूट्यू उसके कमेंट बॉक्स में ठीक है और यस वन मोर थिंग बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स में ठीक है ना ताकि मैक्स तो, मैक्स टू तो मैक्स लोग इसको सब्सक्राइब करें और उसका बेनिफिट उठा पाएँ नेक्स्ट है वी वर ऑल वेरी फ्राइटेंड एंड है नी वी वर ऑल वेरी फ्राइट एंड वेन वी हर्ड अ लाउड एक्सप्लोजन पहले तो फ्राइटेंड का मतलब समझो फ्राइटेंड का मतलब होता है फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ ठीक है ना डरा हुआ फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए है ना हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए जब हमने एक तेज़ धमाका एक्सप्लोड मतलब धमाका होता है एक्सप्लोजन मतलब धमाका ठीक है ब्लास्ट जब हमने कहीं बहुत ज़्यादा धमाका तेज धमाका सुना तो हम लोग सब लोग डर गए अब देखो इसको करते हैं ही सेड दैट दे हैड बीन वेरी फ्राइटेंड वेन दे हर्ड द लाउड एक्सप्लोजन एक चीज नेक्स्ट देखो ही सेट देवर वेरी फ्राइट एंड वैन दे हर्ड द लाउड एक्सप्लोजन वेन दे हर्ड द लाउड एक्सप्लोजन तो देखो स्टूडेंट्स अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है ये क्वेश्चन उठता है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा ठीक है अब सबसे पहले आप क्या देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है सो so डिफरेंस जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ही सेट दैट सेम है यहाँ पे हैड बीन है यहाँ पे वर है यहाँ पे हैड बीन है और यहाँ पे वर है बाकी देखो सबसे में वेरी फ्राइटेंड वन दे हर्ड द लाउड एक्सप्लोजन वेरी फ्राइटेंड वैन दे हर्ड द लाउड एक्सप्लोजन तो एक बात समझना कि यहाँ पे वर है यहाँ पे हर्ड है ठीक है तो दोनों में से दोनों में से सेंटेंस में पहले क्या लिखा हुआ पहले वर्ड लिखा हुआ है या पहले हर्ड लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर पहले तो ऑब्वियस ही बात है वर्ड लिखा है ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं तो बच्चों अगर आपको ये पहचान में आ रहा है ना कि वर्ड लिखा हुआ है तो बस यहीं पर काम काम खत्म हो गया जब कभी भी आपको स्टार्टिंग में वर्ड दिखेगा ठीक है तो उसको आप कन्वर्ट किस में करोगे हेड बिन में करोगे किस में कन्वर्ट करोगे हेड बिन में करोगे ठीक है जैसे एक सेंटेंस आया इफ़ आई वर अ पी एम प्राइम मिनिस्टर तो जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे इफ़ आई हैड बीन अ पी एम क्लियर हो रहा है ना यही सारी चीज़ें ठीक है थीके? तो इसीलिए यहां पे जो करेक्ट होगा वो क्या होगा हैड बीन वाला पार्ट करेक्ट होगा ये करेक्ट होगा और ये सेकेंड वाला इनकरेक्ट होगा ठीक नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आई टेल यू द रियल स्टोरी आई टेल यू द रियल स्टोरी इसमें कुछ नहीं तो बहुत ईजी है शी सेट दैट शी विल टेल एस द रियल स्टोरी एंड शी सेट दैट शी वुड टेल एस द रियल स्टोरी तो ध्यान देना ये जो ऐसे लिखा रहता है ना एल इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है विल जो आई ये जो ऊपर कॉमा लगा हुआ है ये डबल एल लगा हुआ है पॉस्ट्रॉफी और डबल एल है इसका मतलब होता है डिटेल में मतलब फुल फॉर्म में विल इसी का शॉर्टकट होता है एल ठीक है तो आई टेल यू द रियल स्टोरी को जब ने कन्वर्ट किया तो बेसिकली ये लिखा हुआ है आई जस्ट मिनट ये एक्चुअली मैं पता क्या लिखा ये लिखा हुआ आई विल टेल यू द रियल स्टोरी तो बच्चों जब भी हमें विल दिखेगा तो विल हमेशा किस में कन्वर्ट होगा वुड में किस में कन्वर्ट होगा वुड में कन्वर्ट होगा तो ये आपको देखना कि शी सेट डेट सब में कॉमन है फिर ये शी भी इसमें है टेल एस द रियल स्टोरी भी है टेल एस द रियल स्टोरी भी है तो डिफरेंस कहाँ पर है डिफरेंस है कि यहाँ पर विल है और यहाँ पर वुड है तो स्टूडेंट्स ये जो विल है ये विल कस में कन्वर्ट हो जाएगा ये वुड में कन्वर्ट हो जाएगा आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो ये करेक्ट ये वाला करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है नेक्स्ट है आई हैव टू स्टे बैक फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस आफ्टर स्कूल आई हैव टू स्टे बैक फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस आफ्टर स्कूल ठीक है तो शी सेड दैट शी वुड हैव टू स्टे बैक फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस आफ्टर स्कूल एंड शी सेड दैट शी विल हैव टू स्टे बैक फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस आफ्टर स्कूल अब देखो मैंने कहा था कि हैव जहाँ पे होगा वहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा हैव अगर होगा तो किस में कन्वर्ट होगा हैड में कन्वर्ट होगा लेकिन अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हैव के साथ केवल हैव नहीं ये हैव टू है आज समझना आई हैव चॉकलेट आई हैव चॉकलेट और यहाँ पे हैव अकेले है लेकिन इस सेंटेंस में हैव के साथ टू भी लिखा हुआ है हैव के साथ टू भी लिखा हुआ है तो अगर हैव काली होगा तब तो हम लोग उसको हम लोग हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर हैव टू लिखा हुआ है अगर हैव टू लिखा हुआ है तो किस में कन्वर्ट करेंगे बताइए किस में कन्वर्ट करेंगे अगर हैव टू है तो उसको कन्वर्ट करेंगे वुड हैव टू में ठीक है तो ये ये शी शी सेड दैट शी वुड हैव टू स्टे बैक फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस आफ्टर स्कूल ये करेक्ट और ये वाला इनकरेक्ट है क्लियर आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कैन यू पिक मी आफ्टर स्कूल मॉम सेड मतलब मॉम का क्वेश्चन है कि कैन यू पिक मी आफ्टर स्कूल कैन यू पिक मी अप आफ्टर स्कूल ही आस्ट हिज मदर कुड यू पिक मी आफ्टर स्कूल या ही आस्ट हिज मदर इफ ही इफ शी कुड पिक हिम आफ्टर स्कूल अब देखो अब देखो कैन तो सीधी सीधी बात है किस में कन्वर्ट होगा कुड में कन्वर्ट होगा अब हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या है सेंटेंस क्या है और डिफरेंस क्या है दोनों में ही आस्ट हिज मदर ही आस्ट हिज मदर कुड यू पिक मी अप आफ्टर स्कूल और इफ़ शी कुड पिक हिम आफ्टर स्कूल सो बच्चों ये ध्यान देना कि जब कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके जैसे आर यू हैप्पी आर यू हैप्पी तो आर यू हैप्पी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यस और नो में दे के फिनिश कर सकते हो जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर नेम तो बच्चों व्हाट इज़ योर नेम का आंसर तो आप यस और नेम नो में नहीं दे सकते ना आपको तो अपना आंसर बताना पड़ेगा या आपसे पूछा जाए हैव यू टेकन योर लंच तो हैव यू टेकन योर लंच में या हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो बट वेन हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क अगर पूछा जाए आपने अपना होमवर्क कब कंप्लीट किया तो इसका आंसर आप यस और नो में बिल्कुल भी नहीं दे सकते तो उसको आपको टाइम बताना पड़ेगा तो जैसे ये कैन यू पिक मी आफ्टर स्कूल ये पूछ रही है मॉम कि क्या आप मुझे स्कूल के बाद पिक कर सकते हैं तो इसका आंसर यस और नो में हो सकता है कि यस पिक कर सकते हैं या या, या या यस नहीं पिक कर सकते हैं ठीक है तो जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसमें एक हमें रूल हमेशा याद रखना कि सेंटेंस में आपको इफ़ ज़रूर दिखेगा उस सेंटेंस में आपको इफ ज़रूर दिखेगा।, दिखेगा ठीक रिपोर्टेड स्पीच में इफ़ ज़रूर दिखेगा तो इसमें देखो इफ दिखाना है यहाँ पे और इफ़ दिख रहा तो ये हमारा करेक्ट है क्लियर हो गया चलो वेरी गुड आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो है वो बच्चों वो थोड़ा सा छोटा सा चीज़ है इसमें कुछ है नहीं ज्यादा गेस ओनली सेवन क्वेश्चन आर देयर सो लेट्स ट्राई टू फिनिश इट आउट सो इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इन द करेक्ट टेंस वर्ब्स को फिल करना प्रॉपर करेक्ट सो स्टूडेंट्स हमीद एट ऑल द ग्रेप्स इन द फ्रिज सो जब कभी भी एट होगा उससे हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे हैड ई में याद रखना किस में कन्वर्ट करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो बिकॉज ईट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ईट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ई ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आ जाएगा हमीद कन्फ्यूज दैट ही हैड ई ऑल द ग्रेप्स इन द फ्रिज क्लियर क्या आ जाएगा ही हैड टेन क्लियर नेक्स्ट रूपा एम हैविंग अ पार्टी रूपा सेट दैट आई एम हैविंग अ पार्टी फॉर पार्टी फॉर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक सो अब यहां पर एम हैविंग है तो क्या हो जाएगा वॉज हैविंग हो जाएगा ठीक है इज एम आर का कन्वर्जन होता है वॉज और वर् में ठीक है बेसिकली इज अगर लिखा होगा या एम लिखा होगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वॉज में और अगर आर लिखा होगा तो कन्वर्ट करेंगे वर में क्लियर सिमिलरली जेकब आई हैव बॉट टिकेट्स फॉर द क्रिकेट मैच सो आई हैव टिकट्स फॉर द क्रिकेट जेकब सेट दैट ही है मैंने सिखाया था हैड हो जाएगा तो जेकब सेट दैट ही हैड बॉट टिकेट्स इन द क्रिकेट मैच टिकट्स फॉर द क्रिकेट मैच मोहाना आई विल ड्राइव बाई माई सेल्फ ऑल द वे तो विल का मैंने सिखाया था क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा ठीक है तो सेंटेंस आ जाएगा शी वुड ड्राइव शी वु शी वुड्राइव बाई हर सेल्फ ऑल द वे मदर यू कैन नॉट गो आउट बाई योर सेल्फ टू द मार्केट सो यहाँ पे कैन नॉट का किस में कन्वर्ट होता है बच्चों कैन का हमेशा कन्वर्ट होता है कुड में कैन का कन्वर्ट होता है कुड में तो कैन not का क्या हो जाएगा कुड not हो जाएगा सो so, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कुड नॉट लिख दोगे ठीक है ना माई मदर टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट गो बाई माई सेल्फ टू द मार्केट विल यू बी नेक्स्ट विल यू बी प्लेइंग इन द मैच ऑन सैटरडे विल यू बी प्लेइंग इन द मैच ऑन सैटरडे सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप सैटरडे को मैच खेल रहे होंगे तो so, मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन आता है जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सके अगर तो भाई आप संडे को या तो मैच खेल रहोगे सैटरडे को या तो नहीं खेल रहोगे अब ये स्वर्णों में आंसर दे सकते हो तो अगर आप ये स्वर्णों में आंसर दे सकते हो तो सेंटेंस के रिपोर्टेड सीज में एक इफ़ जरूर दिखेगा आपको मैंने समझाया था ना अभी कुछ देर पहले देखो तो यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है इसीलिए दूसरी चीज़ ये कि विल का कन्वर्ट किस में होता है वुड में होता है तो सेंटेंस क्या बन जाएगा आई वुड बी प्लेइंग इन द मैच ऑन सैटरडे वुड be प्लेइंग हो जाएगा ठीक है ना जो यहाँ विल be प्लेइंग है वहाँ क्या हो जाएगा वुड be प्लेइंग हो जाएगा सिमिलरली जगदीश आई हैव नॉट फिनिश्ड जगदीश आई हैव नॉट फिनिश्ड राइटिंग द स्टोरी मैंने बताया थाव हैव की जगह क्या आ जाता है हैड आ जाता है तो बस यहाँ पे हैव की जगह क्या लगा देंगे हेड लगा देंगे और क्या बन जाएगा आई हैड नॉट finished आई हैड नॉट फिनिश्ड द राइटिंग स्टोरी यहाँ पे हेड आ जाएगा और आ जाएगा नॉट फिनिश्ड राइटिंग द स्टोरी इस जगह पे यहाँ पे ही भर दोगे ठीक है ना सो स्टूडेंट्स अब आपका होमवर्क जान लो फटाफट क्या है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसको प्रॉपर्ली समझा दिया है होमवर्क यह है कि गुड आपका होमवर्क यह है कि यहाँ पार्ट नंबर जी से ले करके पार्ट नंबर लास्ट तक ये जो गया है यहाँ तक जगदीश तक ये सारा का सारा आपको फिनिश करके अपने बुक में ही फिल करके फिल कर भेज देना मेरे को या कॉपी में कर देना या फिर कंफर्टेबल पे है आपके कंफर्ट पे जिस जैसे आप कंफर्टेबल वहां वहाँ करके आंसर मेरे को फटाफट भेज दो ठीक है ना दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चो थैंक्स अलॉट